जय हिंद बच्चों। देखिए, इस वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये सब चीज़ें मैंने लिखी हैं, जैसे ब्लू मून क्या होता है, जैसे फुल मून क्या होता है, न्यू मून, ब्लू मून, सुपर मून और रेड मून, ये सब घटनाएं हैं चंद्रमा से रिलेटेड जिनसे आपसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनकी हिंदी भी है, अभी हिंदी में बता दूंगा आपको, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बड़े आसानी से इसको समझेंगे। देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फुल मून क्या होता है। देखो, नाम से पता चल रहा है कि फुल मून, फुल मून का मतलब होता है पूरा चांद। और पूरा चांद किस टाइम पर होता है, तो पूर्णिमा वाले दिन। पूरा चांद की जो स्थिति है उसे क्या कहते हैं, हम पूर्णिमा कहते हैं। अब देखो, पूर्णिमा का मतलब क्या है इतना समझ लो। देखो भाई, जैसे हमारा जो चंद्रमा है वो आसमान में जब पूरा दिखाई दे, जब पूरा दिखाई दे तब उसे कहते हैं फुल मून। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। अब इन कलाओं का क्या मतलब है, देखो जब चंद्रमा पूरा होता है उसके बाद चंद्रमा आप देखते होंगे कि धीरे 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 छोटा होता जाता है। उसका जो आकार है वो कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। पहले इतना होगा, फिर अगले दिन आप देखेंगे तो वो इतना हो जाएगा इस तरीके से, फिर अगले दिन आप देखेंगे तो वो लगभग इतना रह जाएगा, है ना। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल जो कलाएं हैं उसकी वो 16 होती हैं, है ना। मैं यहाँ बोर्ड पर बना नहीं पा रहा हूँ, तो 16 कलाएँ होती हैं। जब चंद्रमा आसमान में पूरा दिखाई देता है उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है फुल मून। ठीक है, जैसे आप पूर्णमासी भी कह देते हैं। और इसके बाद चंद्रमा छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। और जब चंद्रमा बिल्कुल भी आसमान में दिखाई नहीं देता तब इस कंडीशन को बोलते हैं अमावस्या। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अमावस्या। और अमावस्या को ही कहते हैं हम क्या, न्यू मून। क्या कहते हैं बेटा, न्यू मून कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अमावस्या को क्या कहते हैं, तो न्यू मून, और पूर्णिमा को क्या कहते हैं, फुल मून। अब देखो, एक अमावस्या से दूसरी जो एक अमावस्या से एक पूर्णिमा से अमावस्या के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। और इस अमावस्या के बाद देखो क्या होता जाता है, अमावस्या के बाद फिर से चंद्रमा जो है ये दिखाई देना शुरू हो जाता है। फिर से चंद्रमा जो है ये दिखाई देना शुरू हो जाता है। मैं बना के दिखा देता हूँ। अमावस्या के बाद क्या होता है, फिर से देखिए, अमावस्या वाले दिन दिखता नहीं है बिल्कुल भी। अमावस्या के बाद ये थोड़ा सा दिखता है, फिर थोड़ा और इसका आकार बड़ा होता है इस तरीके से, फिर थोड़ा और आकार बड़ा होता है इस तरीके से, और फिर दोबारा से क्या आता है, पूर्णिमा आ जाता है। दोबारा से चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं। आपसे क्वेश्चन आता है ये कि चंद्रमा की कलाएँ कितनी हैं, 16। दूसरी बात, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच की अवधि कितनी होती है, 29.5 दिन की होती है। कितनी होती है भाई, 29.5 दिन की होती है, याद रखना इस बात को। और एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच की अवधि कितनी होती है, 29.5 दिन होती है। देखो, पूर्णिमा से अमावस्या तक के टाइम को कहते हैं कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा जो है उसका आकार छोटा होता जाता है तो रात जो है वो अंधेरी होती जाती है। रात में मतलब रात का प्रकाश जो है वो कम होता जाता है, है ना। चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है और धीरे 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 क्या होता है कि अंधेरा होता जाता है, या ऐसे अंधेरा पाग भी कह देते हैं। तो इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। आपने जन्मतिथि वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में देखा होगा कि पंडित जी लिखते हैं, है ना। जैसे मेरी जन्मतिथि है माघ मासे शुक्ल पक्षे रविवासरे, मतलब माघ का महीना शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्रमा छोटा हो रहा है, अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और जब चंद्रमा बड़ा होता जाता है, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच की अवधि को कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा छोटा होता जाता है तो कहते हैं उसे कृष्ण पक्ष। तो आपसे इतना क्वेश्चन भी आता है कि एक अमावस्या से पूर्णिमा के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। एक पूर्णिमा से अमावस्या के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं, 16 कलाएं हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की अवधि कितनी होती है, 29.5 दिन। और एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच की अवधि कितनी होती है, 29.5 दिन होती है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट हमने समझ लिए, एक तो फुल मून और दूसरा न्यू मून। फुल मून मतलब पूर्णिमा और न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या। ठीक है, अमावस्या, दो चीज़ें हमने समझ ली। अब जान लेते हैं कि ब्लू मून क्या होता है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। ठीक है, देखो,
अब हम सबको पता है कि एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच की जो अवधि होती है वो 29.5 दिन की होती है। अब जो कैलेंडर में महीना होता है, हमारा जो कैलेंडर मास होता है, वो कोई महीना आपका 28 दिन का होता है, जैसे फरवरी का जनरली क्या होता है 30 से 31 दिन के होते हैं। अब मान लो कोई महीना 31 दिन का है, तो 31 दिन का है तो इस महीने की पहली तारीख को अगर पूर्णिमा हो गई तो हो सकता है 30 या 31 तारीख को भी पूर्णिमा हो सकती है। तो आप देखो कि एक ही कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमाएं हो सकती हैं भैया, क्योंकि एक पूर्णिमा के बीच की अवधि कितनी है, एक से दूसरी पूर्णिमा के बीच की अवधि 29.5 दिन। तो जब एक कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमाएं आ जाए उसी स्थिति को कहते हैं हम ब्लू मून या नीला चांद। जब एक कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमाएं आ जाए इसी कंडीशन को हम कहते हैं ब्लू मून या फिर नीला चांद इसे कहते हैं। तो तीन बातें हमने यहां पर समझ ली हैं। अब जान लेते हैं बेटा कि फुल मून सुपर मून क्या होता है, ठीक है ना। एक और चीज है हमारे पास, सुपर मून क्या होता है ये समझ लो। देखो भाई सुपर मून का मतलब है बड़ा चांद, है ना, बड़ा दिखाई देता है, ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। एक्चुअली चंद्रमा क्या है कि जब जैसे हमारी ये पृथ्वी है, दिस इज अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा ऐसे चक्कर लगाता है भाई, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा ऐसे चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल सबसे नज़दीक चला जाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है उस कंडीशन को कहते हैं हम उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं, पेरिजी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो पेरिजी की कंडीशन में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है, नजदीक आने की वजह से उसका आकार बड़ा दिखाई देता है। कोई भी चीज हमारे नजदीक आ जाए तो बड़े आकार की दिखती है, दूर चले जाए तो छोटे आकार की दिखती है। तो चंद्रमा जो है यहां पर हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, अपने सामान्य आकार से लगभग 12% बड़ा दिखाई देता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं सुपर मून। और इसका केवल आकार बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा चांद दिखता है आप देखना, मैंने देखा हुआ है ये, इसका केवल आकार बड़ा नहीं होता, आप याद रखना इसका प्रकाश भी बढ़ जाता है, लगभग 30% ज़्यादा रोशनी देता है उस समय चंद्रमा। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर मून बोलते हैं। इतनी बात आ रही है आपके समझ में। लास्ट और देख लेते हैं, और वो है रेड मून। रेड मून का मतलब इसे रक्त चांद भी कह देते हैं या लाल चांद भी कह देते हैं। रेड मून की घटना शायद ही कुछ बच्चों ने सुनी होगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, क्या होता है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति में जो हमारा चंद्रमा है उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो जब इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की छाया के पीछे, ऐसे ये सूर्य है, यहाँ से सूर्य रोशनी देता है, तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की छाया के पीछे छिप जाता है। और जब ये छिप जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जो है ये लाल रंग का दिखाई देता है, लाल या फिर ये नारंगी रंग का दिखाई देता है। और इसी कंडीशन को चंद्र ग्रहण की स्थिति में ये कंडीशन दिखती है, जब चंद्रमा एकदम लाल दिखता है थोड़ा सा, और उसी को कहते हैं हम रेड मून। क्या कहते हैं? रेड मून। तो देखिए फुल मून क्या है, तो पूर्णिमा। न्यू मून क्या है? अमावस्या है, जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फुल मून जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है आसमान में। ब्लू मून क्या है? जब एक ही कैलेंडर वर्ष में दो पूर्णिमाएं आ जाएं। सुपर मून है जब चंद्रमा अपने आकार से बहुत बड़ा दिखाई देता है और जब वो पृथ्वी के नजदीक आ जाता है तब ऐसा होता है। और रेड मून का क्या मतलब है, इसे रक्त चांद या लाल चांद कहते हैं, ये जब चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जो है ये लाल रंग का दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को, ये 5 कंडीशन थी जो आपने जानी है, इनसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।